भदोही जिले के नगर पंचायत खंभरिया में न तो रोड है न नालियों का निर्माण हुआ है, जबकि पूर्व में चेयरमैन 25 साल के अपने कार्यकाल में केवल कागजों पर ही कार्य करते हैं और जमीनी स्तर पर कोई बात नहीं दिख रही है। आपको बताते चले कि अगर खंभरिया नगर पंचायत की उच्च स्तरीय जांच होती है तो करोड़ों के घोटाले सामने आएंगे, क्योंकि करीब 25 सालों से विराजमान एक ही परिवार के नगर चेयरमैन रहे हैं। मात्र 25 दिन हुए हैं जी। इससे पहले मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारे क्या है कि हमारे अंदर अंदर आत्मा ने हमें आत्मा को ने झिझोड़ा कि सिर्फ मतलब जो एक कहावत होती है कि कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, तो मैं वो नहीं चाहता कि कुत्ता अपना पेट पाल लेता है। हम ये चाहते हैं कि सबको ले के मतलब एक तरीके से, जैसे हमारे मतलब मायावती बहन जी ने कहा कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, उस वो बात मुझे समझ में आई, उस बात को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए। नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी रीना किन्नर का कहना है कि अगर यहाँ की जनता उनको चुनती है तो आने वाले समय में वो विकास की गंगा बहाएंगी, क्योंकि उनके पीछे आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो कहती हैं कि मैं जनता की सेवा करती रही हूँ और भविष्य में भी करती रहूंगी। जब से हमारे होश संभारी हूँ, अपने गुरुओं की गद्दी संभारी हूँ, जब से मैं कमरिया की ही हालत देख रही हूँ और देखते हुए और हमने प्रत्याशी बन के खड़ा हुआ कि कमरिया के हम विकास करेंगे जी। कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई डिग्री कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, और हालात कमरिया तो आप देख ही रहे हैं। हमारे तो कोई न बेटा है न बेटी है, जनता है हमारे साथ। हाजी महमूद आलम का कहना है कि खमरिया में नालियों का कार्य सही ढंग से नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरा राजनीति में आने का एकमात्र ही कारण है, जब विदेशों से बाहर आते हैं तो वाराणसी में कालीन का सैंपल देखकर ही वापस चल जाते हैं, जबकि यहाँ आने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भदोही से विपुल पांडे की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।